हेलो फ्रेंड्स दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट दोस्तों सरगुजा यूनिवर्सिटी यानी कि जो संत गहरा गुरु यूनिवर्सिटी है उसका सेकेंड फेज़ का एडमिशन जो है स्टार्ट हो चुका है हम लोग आ चुके हैं एस जी जी सी जी डॉट इन के वेबसाइट पर यानी कि संत गहरा गुरु यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है ये यहाँ पर से आप देख लीजिए और एडमिशन का सेकेंड फेज़ स्टार्ट हो चुका है तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा ठीक है।, है समय समय पर पूरा अपडेट आपको मिलता रहेगा साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके अलावा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक मात्रा में ज़रूर कर दीजिएगा चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम आ चुके हैं सरगुजा संत गहरा गुरु यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर यहाँ पर जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर न्यू का जो एक ऑप्शन आता है वो आपको दिखाई देगा ठीक है और यहीं पर एडमिशन का प्रोसेस होता है तो फर्स्ट फेज़ वन आप यहाँ पर से देख सकते हैं जो कि दो अगस्त से लेकर के सोलह अगस्त तक चला है और इसका एडमिशन भी अब ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है ठीक है जो एडमिशन का डेट 25 तारीख तक दिया गया था वो कंप्लीट हो चुका है अब दोस्तों फेज़ टू का यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसका डेट दिया गया है 26 आठ दो हज़ार इक्कीस से 30 आठ दो हज़ार इक्कीस जी हाँ दोस्तों 26 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक आपका एडमिशन जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होना है ठीक है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन देख लीजिए क्या दिया गया है एडमिशन टू थाउजेंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फेज़ टू ठीक है तो 26 तारीख से 30 तारीख तक ये डेट दिया गया है समय ज़्यादा नहीं है 26 से 30 यानी कि सिर्फ पाँच दिन का समय दिया गया है आज से आप लोग का एडमिशन आज से आप लोग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना है ठीक है तो ये पूरा प्रोसेस अभी हम लोग आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं तो पूरा इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अब आपको क्या करना है आपको इसी फेज़ टू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है चलिए यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देते हैं तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं लोड हो कर के एक नया पेज ओपन होता है और क्या क्या इसके नियम व शर्तें हैं क्या क्या यहाँ पर नियम दिए गए हैं वो सभी मैं डिटेल से अभी आपको बताऊँगा ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी तक जीरो टोटल फॉर्म दिखा रहा है क्योंकि अभी फॉर्म डलना जो है स्टार्ट नहीं हुआ है तो ये लगभग ग्यारह बजे से स्टार्ट हो जाएगा ठीक है इसके बाद आपको क्या करना है मैं अभी आपको बता देता हूँ आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले जो है रजिस्ट्रेशन uh, के लिए अप्लाई करने से पहले यहाँ पर आपका दिया गया है एवेलेबिलिटी फॉर फेज़ टू एडमिशन यानी फेज़ टू के जब आपका एडमिशन आप जिस भी कॉलेज में चाहते हैं वहाँ की आपको सबसे पहले दोस्तों एवेलेबिलिटी चेक करनी है यानी कि वहाँ सीट उपलब्ध है या नहीं मान लीजिए आप बी के स्टूडेंट हैं बी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप किसी एक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि उस कॉलेज में सीट है भी कि नहीं है बी फर्स्ट ईयर के लिए उसी तरह अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो आप अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि बीएससी फर्स्ट ईयर में वहाँ सीट खाली है या नहीं है क्योंकि अगर खाली नहीं होगा और आप वहाँ उस कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए उस कॉलेज का नाम अगर चूज़ कर लेते हैं तो न तो आपको सीट मिलेगी ना आपके फॉर्म भरने का कोई मतलब निकलेगा ठीक है आपका पैसा जाएगा वो अलग क्योंकि पैसा कोई रिफंड नहीं होगा यहाँ साफ साफ बोल दिया गया है अभी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ इसके बारे में ठीक है तो सबसे पहले यहाँ कुछ जो सूचनाएं दी गई हैं उनको देख लीजिए ठीक है तो ये जो पहला जो सूचना है वो तो है फर्स्ट फेज का दो अगस्त से प्रारंभ की जा रही है उसके लिए अब दोस्तों द्वितीय चरण के लिए इसके ठीक नीचे यहाँ पर दिया गया है आप देख लीजिए ठीक है यहाँ पर जो है आ, उसके सेकेंड फेज के लिए यहाँ दिया गया है ठीक है यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया है कि सत्र दो हजार में संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित स्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष या प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन की तिथि दिनांक 26 आठ 2021 11 बजे से लेकर के 30 आठ 2021 हज़ार इक्कीस द्वितीय चरण का समय आपको दिया गया है तिथि देख लीजिए बिल्कुल नोट करके रख लीजिए इसको 26 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक का समय सेकेंड फेज के लिए आपको दिया गया है इस वेबसाइट में साफ साफ लिखा हुआ है ठीक है अब दोस्तों यहाँ एक चीज़ और दिया गया है कि जिस कॉलेज में छात्र आवेदन करना चाहते हैं इस लिंक से इस लिंक के जरिए इसी पर आप लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करके कॉलेज की उपलब्धता चेक कर लेंगे ठीक है कॉलेज की उपलब्धता चेक करने के बाद ही आप फॉर्म भरेंगे अन्यथा रजिस्ट्रेशन फ़ीस रिफंड नहीं की जाएगी तो यहाँ पर ये चीज़ें साफ़ लिखी हुई है अब आपको क्या करना है इसी लिंक पर आपको क्लिक कर लेना है और इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप जो है अपने कॉलेज की आ, वो चेक कर पाएंगे कि अवेलेबिलिटी चेक कर पाएंगे कि अवेलेबल है या नहीं और लिंक पर हम लोगों ने कर लिए। कर लिए। क्या दिया हुआ है अवेलेबिलिटी फॉर फेज़ थ्री एडमिशन तो ये फेज़ थ्री दिया हुआ है ये फेज़ थ्री नहीं होगा फ़ेज़ टू होगा ठीक है और यहीं पर आपको जो है अपने कॉलेज की अवेलेबिलिटी यहाँ पर आपको दिखाई देगी यहाँ पर आपको अपने एग्जामिनेशन का नाम लिखना है ठीक है कौन सा एग्जामिनेशन है मान लीजिए आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका और सारे ऑप्शन खुल जाएंगे जैसे कि बी फर्स्ट ईयर उसके बाद बी फर्स्ट ईयर सारे ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको अपने अपना एग्जामिनेशन चूज़ कर लेना है किस कक्षा में आप एडमिशन चाहते हैं बी ए बी एस सी बी कॉम बी सी ए जिसमें भी आप चाहते हैं उसको आपको चूज़ कर लेना है ठीक है अभी यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है ठीक है ग्यारह बजे का टाइम दिया गया है उसके एक दो घंटे बाद आपको आसानी से ये सब मिल जाएगा उसके बाद सो लिस्ट यहाँ से आपको लिस्ट यहाँ से देखने को मिल जाएगी ठीक है एग्जामिनेशन की लिस्ट उसके बाद आपको यहाँ पर उसके ठीक नीचे इंस्टीट्यूट दिया गया है इंस्टीट्यूट दिया गया है यहाँ पर ठीक है आपको तो इंस्टीट्यूट के नीचे का ये जो बॉक्स है उस पर आपको क्लिक करना होगा और वहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर दिख जाएंगे जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं चाहे आप अंबिकापुर से हैं चाहे कोरिया जिले के किसी भी कॉलेज से हैं ठीक है तो आपको यहाँ से लिस्ट दिख जाएगा आ, सो लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद पूरा आपको दिख जाएगा मान लीजिए एक कॉलेज आप चूज़ करते हैं उस लिस्ट में से उस कॉलेज में आपके कितने कितने सीट खाली हैं ठीक है इंस्टीट्यूट का नाम एग्ज़ामिनेशन का नाम आपको दिख जाएगा जो भी एग्जामिनेशन आपने चूज़ किया होगा सब्जेक्ट ग्रुप्स आपको दिख जाएंगे कैटेगरी वाइज की ओ में कितने सीट खाली हैं ठीक है एस में कितने खाली हैं एस में कितने खाली हैं और जनरल में कितने खाली हैं हर एक चीज़ आपको यहाँ पर से दिख जाएगी कितने सीट्स टोटल अवेलेबल हैं जेंडर रजिस्ट्रेशन हर एक चीज़ वैकेंट सीट आप आप यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंट दिया हुआ है ठीक है तो वैकेंट सीट भी आपको दिख जाएगी कि कितने सीट वैकेंट हैं उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर से मैंने बता दिया कि आपको सीट अवेलेबिलिटी देखना है सबसे पहले कि किस कॉलेज में सीट अवेलेबल है तभी आपको फॉर्म उस कॉलेज का नाम चूज़ करना है ठीक है और इसके अलावा जो है आपको अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है ठीक है आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको कैसे बनाना है वो मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूँ अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा होगा और अभी तक आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं बनाया है तो आप उस वीडियो को देख करके लॉग इन पासवर्ड बना सकते हैं उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा यहाँ पर नीचे से आप देख सकते हैं यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पर इसके नीचे पूरा प्रोसेस पूरा फॉर्म दिया हुआ है इस तरह से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं मैं लिंक जो है वीडियो का दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर से आप देख लीजिएगा उसके बाद आपको फिर से वही करना है दो तरीके यहां दिए गए हैं लॉगिन करने के ठीक है सबसे पहले जो है यूज़र आई और पासवर्ड के जरिए ठीक है यूज़र और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए आपको यहाँ पर से लॉगिन कर लेना है उसके नीचे यहाँ पर लॉगिन रजिस्ट्रेशन और मोबाइल नंबर के जरिए आपको यहाँ पर से लॉगिन कर सकते हैं ठीक है अगर पासवर्ड नहीं डालना है तो तो इस तरह से अपने मोबाइल नंबर के साथ अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं फिर लॉगिन करने के बाद आपको वही पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको ऑप्शन दिया जाएगा कॉलेज चूज़ करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा ठीक है तो आई होप आपको पूरी जानकारी पसंद आई होगी पूरी जानकारी आपको अच्छे से मिल गई होगी इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर पूछ लीजिएगा मैं आ, सभी के आंसर देने का पूरा कोशिश करूँगा जितना मेरे से हो सकेगा ठीक है तो चलिए ठीक है इस जानकारी पर अमल कीजिएगा और आप अगर सेकेंड फेज़ की एडमिशन लेना चाहते हैं तो ज़्यादा देर मत कीजिएगा ठीक है एक दो दिन के अंदर अंदर ही आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा कोई भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा ठीक है दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद